Hi friends, the channel name is Learn to Earn by EKR. So I would be requesting you please like, subscribe, and share this video as much as possible. And please subscribe this channel and share it as much as possible. I'm repeating again. So it's a request because it motivates me a lot. And that would be, motivating me to make such videos again, okay, in future also. So this video, I was going through the online portal and now and the I was very hilarious, like, okay, how such things can happen. People started comparing Adani with Harshad Mehta, Adani with, some or the other people. That is not good. That is really not good. आपको ये काम नहीं करना चाहिए. So when I was going through, it was you can't do. Harshad Mehta is not similar to Adani, or Adani is not similar to Harshad Mehta. So ये जो आज का जो thumbnail आप देख रहे हैं, history में repeat, Hindenburg बर्बाद हो सकता है. Hindenburg बर्बाद हो सकता है, हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकता है. सो बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द मूवी, अभी जो लेटेस्ट मूवी आई थी अबाउट हर्षद मेहता ओनली मूवी जो आई थी, कंपेयर करना तो आप उस मूवी से कंपेयर कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था, हर्षद मेहता को क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था. यू कैन गेट थ्रू दैट मूवी, आपको सब कुछ सिमिलर सिचुएशन नजर आने लगेगा. ठीक है, सब कुछ आपको सिमिलर नजर आने लगेगा. सो कैसे बर्बाद हो सकता है, लेट अस सी. सो अभी ड्यूरिंग हर्षद मेहता टाइम व्हाट हैपेंड, हर्षद मेहता के टाइम में क्या हुआ था. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द हाइलाइटर्स. ठीक है, हाइलाइटर फर्स्ट. सो हर्षद मेहता के टाइम में क्या हुआ था, हर्षद मेहता व्हाट हैपेंड, हर्षद मेहता वॉज इन बुल काटल. हर्षद मेहता जो थे वो एक बुल काटल में थे, राइट, बुल काटल में थे. और हमारे अदानी सर भी जो है, ही इज ऑल्सो इन बुल. तो कंपेरिजन क्या हो जा रहा है कि हर्षद मेहता ऑल्सो वॉज इन बुल साइड एंड अदानी सर वॉज इज ऑल्सो इन द बुल साइड. बट डिफरेंस कहाँ पर आ जा रहा है कि अदानी ग्रुप इज अ वेरी बिग ग्रुप. हमारे इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका पार्ट है वो. ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट जो है, इट्स टोटली डिपेंडेंट, और यू कैन सी इट्स डिपेंडेंट ऑन अदानी ग्रुप. इतना लाख करोड़ का इनका बिजनेस है, लाख करोड़ का बिजनेस है. ओके, सो इतना लाख करोड़ का जब बिजनेस होगा, इनका बिजनेस कहाँ नहीं है, पोर्ट में है, माइंस में है, एनर्जी सेक्टर में है, पावर में है, सभी जगह पे अदानी ग्रुप फैला हुआ है. एंड इन इन द इन दिस केस अगर हम लोग बोलेंगे कि इट्स वेरी सिमिलर टू हर्षद मेहता, हर्षद मेहता वॉज इन टू शेयर मार्केट. वो एक ब्रोकर से स्टार्ट किए थे अपने बिजनेस को. उन्होंने एक कंपनी स्पिक थी एंड दूसरा एनसीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो दोनों कंपनी को उन्होंने बैलून की तरह पूरा फुलाया, उसको पूरा पूरा बुल रेस में उसको ऊपर किया. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सडनली दैट बैलून गॉट जो होता ना फट जाना, एंड देन बर्बाद हो गए. सो ये कब हुआ था, हर्षद मेहता उससे पहले बियर कार्टेल में थे मन्नू मानिक. सो मन्नू मानिक जो थे, ही वॉज वॉट ही डिड, ही वॉज इन द बियर साइड. वो सेल करते थे, शॉर्ट करते थे शेयर्स को, एंड उससे उनकी अर्निंग होती थी. देन आफ्टर दैट 1970s में मन्नू मानिक का चलता था, उनकी बहुत चलती थी शेयर मार्केट में, मतलब ही वॉज द लीडर ऑफ द शेयर मार्केट. उसके बाद हर्षद मेहता आए एंड देन आफ्टर दैट मन्नू मानिक का उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया, लिटरली उनको बर्बाद कर दिया. एंड देन आफ्टर दैट वी ऑल्सो नो दैट कि हर्षद मेहता का क्या एंडिंग हुआ, हर्षद मेहता का क्या एंड हुआ, वी ऑल नो दैट. ठीक है, सो वी कांट कंपेयर अदानी विद हर्षद मेहता बिकॉज अदानी इज इन टू अ डिफरेंट थिंग. अदानी इज अ बिजनेस, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रेड फ्लैग आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसको रेक्टिफाई रिजोल्व किया जाता है. ओके, वी कैन कंपेयर अदानी ग्रुप विथ रिलायंस, वी कैन कंपेयर अदानी ग्रुप विथ रिलायंस बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आ रहा है. अदानी ग्रुप रिलायंस एट दैट टाइम व्हेन मन्नू मानिक ने सेल किया था, शॉर्ट किया था रिलायंस को, उस समय धीरू भाई अंबानी ने भी क्या किया था, धीरू भाई अंबानी ऑल्सो वॉज उन्होंने भी फंड रेजिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फंड रेजिंग स्टार्ट किया था. उसको फ्लॉप करने के लिए मन्नू मानिक ने क्या किया, सेल किया था. और या फिर बियर कार्टेल ने सेल किया था, वाई शुड आई ब्लेम वन पर्सन, बियर कार्टेल ने सेल किया. और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हुआ यहाँ भी, अदानी ग्रुप भी अभी राइट इशू कर रही है, फंड रेजिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने, एंड उधर रिलायंस ने भी उस समय स्टार्ट किया था. उसी टाइम में रिलायंस ऑल्सो व्हाट दे डिड, जब व्हेन व्हेन धीरू मानिक फाउंड कि मन्नू मानिक इज हैज
उन्होंने सेल कर दिया है। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने लोगों से हेल्प मांगा, ठीक है, लोगों से हेल्प मांगा, और उन्होंने रिलायंस का एक भी शेयर को बेचा नहीं, उन्होंने एक भी शेयर को बेचा नहीं, एक भी शेयर को नहीं बेचा, ओके। और इनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी शेयर को, सेल को, जो भी शेयर था उनको बेचा नहीं। तो क्राइसिस आ गया था शेयर मार्केट में, रिलायंस का जो शेयर था वो क्राइसिस में चला गया था। पहले तो मतलब ताश की पत्ती की तरह ये फॉल पूरा हो गया, रिलायंस शैटर्ड लाइक एनीथिंग, वो पूरा फॉल हुआ। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, नोबडी वाज देयर टू परचेज दैट शेयर, कोई भी बाई करने के लिए, कोई भी अपना जो जो शेयर बचा हुआ था रिलायंस का, कोई भी सेल करने को तैयार नहीं था, लोग भी नहीं तैयार थे, प्लस रिलायंस ग्रुप भी तैयार नहीं था, रिलायंस के जो रिलेटिव थे उनको वो भी तैयार नहीं थे। तो पूरा पूरा जो रिलायंस का जो शेयर जो था, दैट वेंट इनटू क्राइसिस। जब क्राइसिस हो गया तो व्हाट हैपेंड, मन्नू मानिक के पास बाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जब कोई बेचेगा नहीं, कोई बेचेगा ही नहीं, तो आप बताइए मन्नू मानिक बाई कहां से करेंगे, कोई शेयर को बाय नहीं कर सकते थे। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, रिलायंस का शेयर जूम करके ऊपर भागा, एंड देन आफ्टर दैट मन्नू मानिक हैज टू बेग, उनको बोलना पड़ा कि प्लीज। और लास्ट में क्या हुआ, जीत धीरू भाई अंबानी की हुई, एंड वी ऑल नो दिस स्टोरी। आप मूवी देखिए, लेटेस्ट मूवी जो अभी शेयर मार्केट से रिलेटेड आई थी, यू विल कम टू नो कि हाँ व्हाट्स द रियल पिक्चर। जो मैं कहानी आपको बताया वही से देख करके बताया, नथिंग न्यू इन दैट, ओके। तो सिमिलर काइंड ऑफ केस अब अदानी का भी आ गया। अदानी ने भी क्या करे, अदानी ऑल्सो इज फंड रेजिंग। अदानी के रिलेटिव ने क्या बोला है लास्ट, आपको चेक करना, यू कैन गो थ्रू गूगल, आपको न्यूज पेपर में मिल जाएगा कि अदानी के समूह का क्या कहना है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल अ पेनी, एक भी शेयर मैं नहीं बेचूंगा। अदानी के रिलेटिव बोल रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू सेल। LIC भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि LIC बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इन अ पैनिक मोड, आई एम नॉट इन अ पैनिक मोड, मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट इन अ पैनिक मोड, मैं एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। देन SBI ऑल्सो सेड कि हमारा उतना पैसा उसमें, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा NP में नहीं जाएगा, वी आर ऑल्सो नॉट इन अ पैनिक मोड, SBI ने बोल दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल टच, वी ऑल नो दैट अदानी का पॉलिटिकल टच बहुत ही स्ट्रांग है, अदानी का पॉलिटिकल टच बहुत स्ट्रांग है, एंड वी छुपा नहीं है, आई वोंट बी टेलिंग द नेम किससे टच है क्या है, बट पॉलिटिकल टच है, एंड दे आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एंड पावर, इनके पास पावर भी है, पैसा भी है, पॉलिटिकल टच भी है, LIC जैसे लोगों का भी साथ है, LIC, वी ऑल नो दैट LIC ह्यूज, कितना पैसा इनके पास है, SBI कितना बड़ी है, तो इतने लोगों का साथ, ये बियर कार्टल में अदानी के साथ इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, ओके। अदानी के साथ LIC है, अदानी के साथ SBI है, अदानी के साथ पॉलिटिकल टच है, अदानी के साथ पावर है, ठीक है, सब कुछ इनके पास है। और हिंडनबर्ग के पास क्या है, अकेले है वो। तो अब आप सोच लीजिए कि व्हेन अदानी इज नॉट गोइंग टू अपना शेयर को सेल नहीं करेंगे, वो लोग बेचेंगे नहीं, LIC नहीं बेचेगा, SBI नहीं बेचेगा, हम लोग जो पब्लिक जो है, व्हाई वी विल सेल इन लॉस, हम लोग अपने शेयर को लॉस में क्यों बेचेंगे, वी विल ऑल्सो नॉट सेल। जब जब शेयर ही कोई सेल ही नहीं करेगा तो बचेगा क्या मार्केट में, बचेगा कुछ नहीं। एंड अल्टीमेटली कब क्या होगा, हिंडनबर्ग जो उन्होंने ऊपर में सेल किया था, अल्टीमेटली दे हैव टू बुक प्रॉफिट सम और दिया, देवे कैसे ना कैसे करके उनको बुक करना पड़ेगा, आइदर इन लॉस और जल्दी से उनको बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट विद इन सम डेज, ताकि जैसे हम लोग पैनिक मोड में हैं, उस पैनिक में हम लोग अपना लॉस को बुक करेंगे तो वो खरीद लेंगे एंड बच जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अपना शेयर शेयर को सेल नहीं करते हैं, देन ट्रस्ट मी हिंडनबर्ग सही में बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो कि ये किससे टकरा रहा है, दे आर रॉन्ग। तो हिंडनबर्ग के लिए बहुत ही बैड न्यूज हो सकता है कि इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, गलत आदमी से पंगा ले लिया, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी हार्मफुल टू देम ऑल्सो, ओके। सो दिस वॉज अ थिंग विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू पिक्चर, लाइक यू नो पीपल शुड नॉट कंपेयर यू नो अदानी विथ हर्षद मेहता, हर्षद मेहता इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अदानी सर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। अदानी इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोगों को जॉब दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्ट कर रहा है, सो वी शुड नॉट डू एनी कंपैरिजन ऑन दैट पार्ट, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू पिक्चर। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर हिंडनबर्ग, एंड अगेन आई वुड से देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन गिवन इन दिस चैनल, ओके। और दूसरा और लास्ट क्या है कि अभी जब दो बड़े जब बात करते हैं ना, तो बीच में जब छोटे जब बोलते हैं तो सामने वाला छोटा बच्चा पीटता है। सो इन दिस केस में द बिग पर्सन इज बड़े आदमी हिंडनबर्ग है, और दूसरे बड़े आदमी अदानी है, LIC है, पॉलिटिकल टच है। सो हम लोग जैसे छोटे लोग भी, पब्लिक जो है, उनको भी चुपचाप से शांति से पिक्चर का मजा लेना चाहिए। लेट देम फाइट, लेट देम
डू इट एंड देन आप दूर से खड़ा करके पिक्चर का मजा लीजिए, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट एंजॉय द पिक्चर। जहां पर स्टेबिलिटी दिखेगा, जहां बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय कीजिए, जहां सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल कीजिए। आपको कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं दिया जा रहा है, जस्ट वॉच द पिक्चर एंड डोंट गेट बी इन अ पैनिक मूड। सो दो जब बड़े फाइट कर रहे हैं, बीच में जाइएगा, पिस जाइएगा। सो इट वुड बी राइट, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच द पिक्चर। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।